हाय गाइस, नादिर सिद्दीक यार डीप टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो, ये है आईफोन 12 प्रो जिसको यूज करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है। ये वाला फोन मैंने सेकेंड हैंड लिया है जिसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आईफोन 12 प्रो लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में, लगभग डेढ़ साल हो चुके हैं। तो क्या डेढ़ साल बाद आईफोन 12 प्रो सेकेंड हैंड लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए, ये वाला जो डाउट है आज आपका क्लियर होने वाला है। एंड मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि आपको सेकेंड हैंड फोन ही क्यों लेना चाहिए। वैसे मैं ऐसे सेकेंड हैंड फोन पर वीडियोस लाता रहता हूँ, स्पेशली ऑन आईफोन्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सेकेंड हैंड फोन्स क्यों लेना चाहिए। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक सिंपल है। आईफोन 12 प्रो लॉन्च हुआ था 1,09,000 रुपए का, एंड अगर आप उसमें उस टाइम पे ऑफर लगाते तो वो आपको 1,05,000 रुपए तक का पड़ जाता। करंटली अभी जो आईफोन 12 प्रो का सेकेंड हैंड प्राइस चल रहा है वो 55,000 to 60,000 तक चल रहा है, मतलब कि डेढ़ साल में 50,000 रुपए का लॉस लगभग हो चुका है। एंड भाई, अगर यहाँ पर आप 2-3,000 रुपए और मिला देते तो 52-53,000 रुपए में आपको नया आईफोन 12 मिल जाएगा। एंड अगर आपने आईफोन 12 प्रो उस टाइम पे नया लिया था तो पर मंथ आपको 2,800 रुपीज का लॉस हो रहा है, एंड ये होता ही जाएगा। फिर जब आप अपने आईफोन 12 प्रो को 6 मंथ बाद बेचेंगे तो 40,000 to 45,000 रुपए के प्राइस के बीच में ही आपके आईफोन 12 प्रो का प्राइस आएगा। एंड देन फिर आईफोन का न्यू प्रो मॉडल लॉन्च हो जाएगा जो 1,00,000 रुपए के ऊपर आएगा, तो इस साइकिल में आप हमेशा फंसे रहेंगे। एक भाई होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, जितना आप कमाते हैं उसके 10% इतना अमाउंट हो जाता है, तो आपको जो मोबाइल लेना आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सेकेंड हैंड फोन लीजिए, आपको कम पैसों में ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। एंड आप अभी भी करंटली आईफोन 12 प्रो 13 प्रो को कंपेयर करेंगे तो आपको इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक और वीडियो पे काम चल रहा है, आईफोन 11 प्रो वर्सेस आईफोन 12 प्रो, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अगर वो वाली वीडियो को आपको देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है आपने अभी तक नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, एंड वो वाली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपका मन आईफोन 13 प्रो न्यू लेने का कर रहा है तो ये बेस्ट टाइम है आईफोन 12 प्रो को सेकेंड हैंड बाय करने का। एंड जो इसके ऊपर का अमाउंट आएगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने भी आईफोन 12 प्रो सेकेंड हैंड लिया है जो कि अभी वारंटी में है, जिसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि सेकेंड हैंड लेते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। गाइस, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड फील की। आईफोन 12 प्रो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, एंड इन हैंड फील भी काफी ज्यादा रिच है। वेट आपको इतना मिल जाता है, एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कमाल का करा गया है। फोन बिल्कुल भी आपको बल्की फील नहीं होगा। फ्रेम स्टेनलेस स्टील का है। बेस्ट पार्ट ये है कि बॉक्सी डिजाइन है। यहाँ पर एप्पल ने अपने आइकॉनिक आईफोन 5S का डिजाइन रियूज करा है, जो आईफोन 12 प्रो को होल्ड करने पर काफी ज्यादा बेहतरीन ग्रिप देता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं आईफोन 12 से तो आईफोन 12 थोड़ा हल्का है, एंड यहाँ पर जो ग्रिप है वो ज्यादा अच्छी मिल जाती है आपको आईफोन 12 में। ओवरऑल फोन काफी ज्यादा प्रीमियम है, स्पेशली इन गोल्ड कलर। तीन कलर और आते हैं, सिल्वर, ग्रेफाइट एंड पैसिफिक ब्लू। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर बताइएगा। हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड स्लाइडर मिल जाएगा जिससे आप फोन को वाइब्रेट या जनरल कर सकते हैं। वॉल्यूम कीज भी मिल जाती है जो कि स्टेनलेस स्टील की है। राइट हैंड साइड आपको बड़ा सा पावर बटन मिल जाएगा जिसकी पोजीशन एकदम बेस्ट है, एंड सिम ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप ओनली एक सिम लगा पाएंगे, एंड एक सिम आप ई सिम के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि आईफोन 12 में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर जो आईफोन 12 एंड 12 प्रो एप्पल के पहले ऐसे मॉडल है जिसमें आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इंडिया में अगर 5G आता है तो उसकी लिमिटेड स्पीड है, लेकिन US में 6GHz की 5G कनेक्टिविटी है जो कि 4GBPS की स्पीड देती है। अगर 5G अवेलेबल नहीं होगा, जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो गीगाबिट LTE टेक्नोलॉजी को यूज करता है आईफोन 12 प्रो। एंड जिसको नहीं पता गीगाबिट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये 4G की सबसे फास्टेस्ट फॉर्म होती है, एंड यही सेम टेक्नोलॉजी आपको आईफोन 11 प्रो में भी मिल जाती है, क्योंकि आईफोन 11 प्रो 5G फोन नहीं है। आईफोन 12 प्रो में आपको IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है। एप्पल के हिसाब से मस्त आप 6 मीटर पानी में आईफोन 12 प्रो को डुबा के 30 मिनट तक रखिए, आपके फोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन आप एप्पल की बातों को सीरियसली मत लेना, अगर इससे वाटर डैमेज होता है तो एप्पल इसकी कोई भी गारंटी नहीं देता है। गाइस, यहां पर अब बात कर लेते हैं आईफोन 12 प्रो की परफॉर्मेंस की। तो आपको आईफोन 12 प्रो में एप्पल की बायोनिक A14 चिप मिल जाती है, जो कि एप्पल की तरफ से पहली चिप है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है, एंड ये चिप परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। एप्पल ने लॉन्च इवेंट में कहा था कि जितने भी अभी लीडिंग स्मार्टफोन है उनसे जो ये चिप है A14 50% ज्यादा फास्टर है। ऑनटूटू स्कोर की बात करें तो काफी ज्यादा स्कोर कर लेता है, 6.9 लाख, जो कि थोड़े से ही कम है 7 लाख से। एंड यहाँ पर सबसे तगड़ी बात, आईफोन 12 प्रो में आपको 6GB की रैम मिलती है LPDDR4X की, जो कि आईफोन 12 प्रो को एप्पल का पहला ऐसा मोबाइल बना देती है जिसमें एप्पल ने 6GB रैम प्रोवाइड करी थी। मल्टीटास्किंग की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन मल्टीटास्किंग हो जाएगी, 7 से 8 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आप रख पाएंगे। BGMI भी बहुत ही ज्यादा जल्दी ओपन हो जाता है। एंड जो ब्राइटनेस लो वाली प्रॉब्लम आईफोन
iPhone 11 Pro, iPhone 12 में देखने को मिली थी, वो प्रॉब्लम आपको iPhone 12 Pro में देखने को नहीं मिलेगी। करंटली iOS 15 पर है एंड iOS की ये अच्छी बात है कि काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, कोई भी ग्लिचेस UI में फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन है, आराम से आप इस फोन से 4 से 5 साल इजिली निकाल सकते हैं एंड iOS के अपडेट भी आपको 5 साल तक के लिए मिलते हैं, तो iPhone 12 Pro को ये चीज भी फ्यूचर प्रूफ बना देती है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो बायोनिक A14 चिप iPhone 12 Pro में लगी है उसमें आपको 16 कोर का न्यूरल इंजन भी मिल जाता है, जो कि ऑफर करता है 80% इंक्रीज इन परफॉर्मेंस फॉर मशीन लर्निंग टास्क कंपेयर टू पिछले जनरेशन की बायोनिक A13 चिप जो कि 11 Pro में है। स्टोरेज की बात करें तो 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 128GB, 256GB एंड 512GB। 64GB वाला वेरिएंट आपको iPhone 12 Pro में देखने को नहीं मिलेगा। गाइस यहां पर अब बात करते हैं गेमिंग की। iPhone 12 Pro में गेम खेलते टाइम मुझे काफी ज्यादा मजा आया है। ग्राफिक्स की बात करें तो HDR पर एक्सट्रीम मैक्स ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर 60fps 120fps वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर iPhone 12 Pro 60Hz पर ही चलता है। यहां पर iPhone 12 Pro का जो रिएक्शन टाइम है वो काफी ज्यादा फास्ट है, स्क्रीन साइज भी बड़ा है जो कि काफी ज्यादा मस्त है। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा तगड़ी गेमिंग हो जाती है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स ग्लिचेस बग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पर कांस्टेंट 60fps का आपको फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा एंड मैं बहुत से फोन टेस्ट करता हूं, मैंने आज तक इतना स्मूथ गेम प्ले किसी भी फोन में नहीं देखा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि iPhone 13 Pro का ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस होगा, तो अभी मैंने iPhone 13 Pro का एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन iPhone 12 Pro को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि iPhone 12 Pro अभी सेकंड हैंड प्राइस में बेस्ट गेमिंग फोन हो सकता है। यहां पर जो गेम है वो काफी ज्यादा मक्खन चलता है, 1% की भी दिक्कत आपको iPhone 12 Pro में गेमिंग करते टाइम महसूस नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं iPhone 12 Pro का गेमिंग के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर बताइएगा। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन की, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। iPhone 12 Pro में आपको 3 गोले वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड एक लाइडर सेंसर भी मिल जाता है। यहां पर जो पहला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर के साथ आपको एक प्राइमरी वाइड कैमरा मिल जाएगा। सेकंड जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ एक टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, जिससे लिटरली आप DSLR टाइप फोटोज ले सकते हैं। बेसिकली इस कैमरे के कारण iPhone 12 एंड 12 Pro की प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर जो थर्ड कैमरा वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। गाइस यहां पर iPhone 12 Pro के कैमरा को टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए हैं। Look. iPhone 12 Pro डायनेमिक रेंज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। पोर्ट्रेट शॉट्स काफी ज्यादा कमाल के आते हैं। अल्ट्रा वाइड से भी आप बहुत बेहतरीन शॉट्स ले पाएंगे। नाइट मोड भी गजब है, काफी ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं मैं अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की, तो आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही ज्यादा शार्प डिटेल वाली सेल्फी ले पाएंगे। एंड यहां पर एक और एडवांटेज मिलेगा आपको कि आप 4K 60fps पर फ्रंट कैमरे से शूट कर पाएंगे, एंड जिसका मतलब है जो रील्स में आपको क्वालिटी मिलेगी वो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। अगर आप रील्स बनाने का शौक रखते हैं तो iPhone 12 Pro का फ्रंट कैमरा आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगा। वहीं मैं अगर बात करूं बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप मैक्स 4K 60fps पर वीडियो शूट कर पाएंगे। एंड iPhone 12 Pro एप्पल का पहला ऐसा फोन जो कि 4K 30fps पर HDR with Dolby Vision वीडियो शूट कर लेता है। एंड यहां पर जो स्टेबलाइजेशन है वीडियो का वो अनबीटेबल है। ओवरऑल जिस बजट में iPhone 12 Pro सेकेंड हैंड मिल रहा है, इसको ये बेस्ट कैमरा फोन बना देता है। बाकी का एक और वीडियो के लिए आप रुकिएगा, जिसमें मैं iPhone 11 Pro वर्सेस iPhone 12 Pro वर्सेस iPhone 12 का इन डेप्थ कैमरा टेस्ट करने वाला हूं। एंड आपको उस वीडियो में पता चलेगा कि आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर स्विच करने पर। आई बेट वो वाली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियोस हमेशा से लाता रहता हूं। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं बैटरी की। iPhone 12 Pro में जो आपको बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 2815 mAh की, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है नंबर के मामले में। iPhone 12 Pro में आपको 20 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन जो चार्जर है वो आपको अलग से लेना होगा 1900 का।
एंड मैगसेफ वाली 15 वॉट की न्यू वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है। मैगसेफ का भी चार्जर आपको अलग से ही लेना होगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो अगर आप 20 वॉट से चार्ज करते हैं तो 1 घंटे 30 मिनट लगेंगे फुल चार्ज होने में। वही मैं अगर बात करूं 5 वॉट चार्जिंग की तो आईफोन 12 प्रो को 5 वॉट से चार्ज होने में 3 आवर्स 2 मिनट लग जाते हैं, जो कि 2022 में काफी ज्यादा लंबा टाइम है। मैं आईफोन 12 प्रो को चार्ज करता हूं आईपैड मिनी 5 के चार्जर से जो कि 10 वॉट का है। लगभग 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप भी 10 वॉट से चार्ज करें, इससे आपकी जो बैटरी हेल्थ है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप ओवरनाइट चार्ज करना चाहते हैं तो 5 वॉट इज अ बेस्ट ऑप्शन। वही मैं अगर बात करूं बैटरी कितनी चलती है आईफोन 12 प्रो की तो 6 आवर 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम आईफोन 12 प्रो दे देता है। अगर यहां पर आप एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं तो शाम तक आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। अगर आप एक लाइट यूजर हैं तो आराम से 1.5 दिन आपका चल जाएगा। अगर आप यहां पर नॉर्मल यूजर हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो आपको बेड टाइम तक या सुबह उठकर फोन चार्ज करना पड़ जाएगा। बैटरी परसेंटेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी बैटरी कितनी चलेगी। मेरे पास जो फोन है उसमें 90% बैटरी हेल्थ है। अगर आप भी कोई सा सेकेंड हैंड फोन लेते हैं तो मेक श्योर करें कि 85% के ऊपर ही बैटरी हेल्थ हो। अगर उससे कम होगी तो जो आपकी बैटरी है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगी। एंड यहां पर आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि कैसे पता करें कि जो बैटरी है वो ओरिजिनल है या लोकल है, तो उसके लिए यहां पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है सेकेंड हैंड को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे। गाइज यहां पर अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। आईफोन 12 प्रो में आपको काफी ज्यादा खूबसूरत 6.1 इंच का 2K सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले मिलता है। H2H डिस्प्ले, HDR 10 एंड Dolby Vision का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस निट्स इंडोर में 800 है एंड जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 1200 निट्स तक मिल जाएगी। आउटडोर में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प आइकन्स एंड डिस्प्ले दिखता है। एक डाउट और क्लियर करना चाहूंगा, आईफोन X एंड आईफोन XS में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो OLED है, 2K है, लेकिन HDR नहीं है। आईफोन 11 प्रो 12 प्रो में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो HDR है, बेसिकली एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज वाला डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा क्रिस्प लगता है। 460 PPI है, PPI मींस पिक्सल पर इंच। जितनी ज्यादा PPI होगी उतना ज्यादा डिस्प्ले शार्प दिखेगा। यहाँ पर आईफोन 12 प्रो के डिस्प्ले में आपको एक और चीज नहीं देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले में सिरामिक शील्ड यूज हुई है। इसमें नैनो सिरामिक क्रिस्टल यूज हुए हैं। इससे पहले वाले मॉडल से 4x बेटर ड्रॉप परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। आसान भाषा में अगर आपका फोन ड्रॉप होता है तो इसका जो डिस्प्ले फूटने का चांस है वो आपका कम हो जाता है। एंड यही सेम टेक्नोलॉजी आपको आईफोन 13 में भी मिल जाती है, लेकिन आईफोन 13 की नॉच छोटी है। एंड सिरामिक शील्ड यूज होने के कारण यहाँ पर जो डिस्प्ले वो मजबूत तो हो जाता है लेकिन बहुत जल्दी स्क्रेचेस ले लेता है। तो आई सजेस्ट कि आप आईफोन 12 हो या आईफोन 12 प्रो, उस पर आप ग्लास जरूर से लगाकर रखिएगा। यहाँ पर ट्रू टोन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड जब सेकंड हैंड ले तो जरूर से चेक करिएगा ट्रू टोन ऑन है या ऑफ है। अगर ट्रू टोन ऑफ है तो इसका मतलब यह है कि फोन का जो डिस्प्ले वो चेंज हुआ है। एंड जिनको नहीं पता ट्रू टोन क्या होता है उनको मैं बता दूं, ट्रू टोन बेसिकली आईफोन का एक फीचर है जो आपके एनवायरमेंट के हिसाब से आपके डिस्प्ले के कलर को शो करता है। एंड ये आपके आईज के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतरीन आपको मिल जाती है। गाइज यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, कि क्या हमें 2022 में आईफोन 12 प्रो सेकेंड हैंड लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए, काफी ज्यादा पोर्टेबल एंड पावरफुल फोन है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 128GB है जो कि मैंने लिया 58,000 का सेकेंड हैंड स्ट्रीट मोबाइल से। बैटरी हेल्थ मुझे यहाँ पर 90% मिली है एंड जो कंडीशन है फोन की वो काफी ज्यादा मिंट है। अभी ये फोन न्यू 1 लाख समथिंग का आ रहा है, मुझे पर्सनली लगता है कि न्यू लेना वर्थ इट नहीं होगा। अगर आप सेकेंड हैंड फोन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्ट्रीट मोबाइल से ले सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये वाला फोन मैं खुद भी सेल आउट कर रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बस स्ट्रीट मोबाइल पे एक दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी, जो पेमेंट है वो आपको पूरी एक बार में पहले पे करनी होती है। स्ट्रीट मोबाइल के पास कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनका इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप OLX पर से या किसी लोकल एरिया से फोन लेना जा रहे हैं तो ये चीजों का जरूर से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले IMEI नंबर क्रॉस चेक कर लीजिएगा फोन पर, बिल पर एंड सिम पर। एंड iUnlocker.com पर जाकर उसका सीरियल नंबर भी डाल दीजिएगा, वहां पर भी आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बैटरी के लिए 500 शॉट्स लीजिएगा। अगर 500 शॉट्स लेने के बाद 1-2% बैटरी गिरती है तो बैटरी ओरिजिनल है एंड वर्किंग कंडीशन में। अगर 4-5% तक बैटरी गिर जाती है तो यहाँ पर जो बैटरी वो आपकी ज्यादा नहीं चलेगी, आपको उसको रिप्लेस करवानी पड़ेगी। ट्रू टोन जरूर से चेक करिएगा एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात आईडी प्रूफ जरूर से ले लीजिएगा। ये तो मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए, बाकी का आपको और डिटेल में जानना है तो डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर लाइव है, उस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ कोई भी सेकंड हैंड में
में फ्रॉड नहीं कर पाएगा। एंड बहुत जल्दी आईफोन 11 प्रो वर्सेज आईफोन 12 प्रो का इनडेप्थ कंपैरिजन आएगा, उस वीडियो का इंतजार करिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो टाइप करें #DTFamily ताकि मुझे पता चले मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर कौन से हैं जो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो लीजेंड हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।